इंडियन मार्केट में हर टाइप की साइकिल्स अवेलेबल हैं। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सी कंपनी की साइकिल लें जिसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छी हो। और भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, जैसे फ्रेम साइज क्या होना चाहिए, टायर साइज क्या होना चाहिए, गियर वाली लूं या फिर विदाउट गियर। ये वीडियो देखने के बाद ऐसे सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। सो हाय, आई एम बिट्टू फ्रॉम cyclingguru.in और आज के वीडियो में मैं टॉप 3 रेंजर साइकिल्स के बारे में बताऊंगा जो 8000 के बजट के अराउंड आपको इजीली मिल जाएंगी और इनकी क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन है और ये तीनों साइकिल्स बेस्ट ब्रांड की तरफ से आती हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें साइकिलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और लगभग 30 साइकिल्स में से टॉप 3 साइकिल्स सिलेक्ट किए हैं जो 8000 के बजट के अराउंड हर तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। मैंने सिर्फ 3 साइकिल्स इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो फाइनल बाइंग डिसीजन लेने में। दोस्तों, 8000 के बजट में गियर्ड बाइसिकल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट अगर आपको कोई दे रहा है तो आप एक बार डबल चेक ज़रूर कर लेना। अदरवाइज इस वीडियो की कोई भी साइकिल ले सकते हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार करंट प्राइस चेक ज़रूर कर लेना। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि क्या डिफरेंस होता है एक गियर और नॉन गियर साइकिल में तो ये वाली वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइज, हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे जो साइकिल है वो है लीडर बीस्ट विथ 26 इंच टायर्स। दोस्तों, ये साइकिल देखते ही मुझे पसंद आ गई थी, आई होप आपको भी आई होगी क्योंकि इसका लुक है ही इतना अच्छा। जियोमेट्री की बात करूँ तो 18 इंच के स्टील फ्रेम पे बहुत अच्छी ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग की गई है, देखने में भी बीस्ट की तरह लग रही है। डबल वॉल अलॉय रिम्स पे 26 इंच के हाई ट्रैक्शन टायर्स के साथ आती है। ये जो टायर्स हैं हर टाइप के रोड्स के लिए सूटेबल हैं, क्वालिटी भी बहुत सही है, जल्दी पंक्चर भी नहीं होंगे। फ्रंट फॉक में सस्पेंशन गिवन है, इंडियन रोड्स के लिए तो बहुत सही है। वैसे तो ये साइकिल है तो हाइब्रिड, बाकी आप इसको थोड़ा बहुत माउंटेन टेरेन पे भी चला सकते हो। ब्रेक्स पे नज़र डालोगे तो फ्रंट में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स और बैक साइड में वी ब्रेक्स के साथ आती है। बेनिफिट्स की बात करूँ तो कंपनी आपको फ्रेम पे लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करती है और इस साइकिल के साथ में आपको साइड स्टैंड, वाटर बॉटल और सारे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। बट मडगार्ड्स नहीं मिलते हैं, बट कोई नहीं, आप अलग से ले लेना, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। 90% असेंबल्ड कंडीशन में डिलीवर होगी आपको, सिर्फ और सिर्फ टायर, हैंडल बार और पेडल्स फिट करने हैं, जो बहुत ईजी होता है। टूल्स भी मिल जाएंगे आपको बॉक्स में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो देख लेना। इसका करंट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। एट नंबर 2 वी हैव वेस्को ड्रिफ्ट। गाइज, वेस्को बाइसिकल भी एक वन ऑफ द बेस्ट साइकिल ब्रांड है। इस कंपनी के साइकिल की क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल होते हैं। इस साइकिल में भी आपको हाई क्वालिटी वाले 26 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे और 18 इंच के स्टील फ्रेम जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है। ये एक यूनिसेक्स बाइसिकल है, सीट हाइट को एडजस्टमेंट के लिए क्विक रिलीज भी मिल जाएंगे आपको सीट पोस्ट में, बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्रंट में स्टील मेड सस्पेंशन फॉर्क है जो वेस्को कंपनी की तरफ से ही आती है, तो आप इसे हर टाइप के सरफेस पे भी चला सकते हो। इस साइकिल के 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो सही लगे आप वो ले लेना। मैट फिनिश में पेंट किया हुआ है, कलर एंड डिज़ाइन तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोग आपको नोटिस ज़रूर करेंगे जब आप राइड करोगे। ड्यूअल वॉल अलॉय रिम्स के साथ दोनों साइड डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको इस साइकिल में। बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो फ्रेम एंड फॉर्क पे कंपनी 1 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करती है और साथ के साथ मडगार्ड्स, साइड स्टैंड, सारे रिफ्लेक्टर्स और टूल्स मिल जाएंगे आपको इस साइकिल के साथ में। ये साइकिल भी आपको 8000 के बजट में मिल जाएगा। एंड फाइनली नंबर 1 पे है गी के हैशटैग। गाइज, गी के ब्रांड भी एक बहुत अच्छी साइकिल ब्रांड है, इनके बहुत सारे मॉडल्स हिट ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हीं में से ये भी एक साइकिल है जिसमें आपको 17 इंच का स्टील फ्रेम देखने को मिलता है। फ्रेम पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ रेड कलर में कंपनी की ब्रांडिंग की गई है जो कि देखने में बहुत सही लग रही है। इसके टायर्स की बात करूं तो 27.5 इंच के साथ टायर्स आते हैं, बाकी आप 29 इंच के साथ भी जा सकते हैं अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। टायर्स प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं, डिस्क ग्रिप भी सुपीरियर है, हर टाइप के सर्फेस पर बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है। फॉर्क इसमें आपको रिजिड वाले ही मिलेंगे, ब्रेकिंग के लिए दोनों साइड इसमें आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। वेट कंडीशन में डिस्क ब्रेक्स बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। कंफर्ट के लिए इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का सीट मिल जाएगा जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसको एडजस्ट करने के लिए क्विक रिलीज गिवन है, सो इजी और हो जाता है।
ये साइकिल भी आपको 8000 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। करंट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। सो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से 3 रेंजर साइकिल्स जो आप 8000 के बजट के अंदर ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तीनों साइकिल्स बेस्ट हैं, आपको जो सही लगे आप वो ले सकते हो। कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी साइकिल सबसे अच्छी लगी, और ये भी बता देना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप साइकिलिंग।